हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अभी हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है और आज मैं रेनबो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पोएट्री सेक्शन के पोएम नंबर 2 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आपका बोर्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है वो इससे बाहर नहीं होगा, पूरी गारंटी है। शुरू से एंड तक देखना वीडियो को। बिहार बोर्ड से अगर आप हो तो आप बिहार के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हो इंग्लिश की प्रिपरेशन के, बल्कि लैंग्वेज की प्रिपरेशन। और अब हमने तो साइंस और आर्ट्स भी स्टार्ट कर दिया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि इसको मैं 3 फेज में करा रहा हूँ। जैसे आपको अगर सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ पढ़ना है तो पहले मैं आपको बताऊंगा पोएट के बारे में, इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव होगा। फिर आप पोएम से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और फिर जब ये इस 2 स्टेप में आप कर लेंगे, फेज वन ये होगा, फेज टू ये होगा, तो फेज थ्री में मैं आपको इसी पोएम का PYQ कराऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले साल अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, वो सारा हम देखने वाले। पहले हम पोएट के बारे में देख लेते हैं। मैं हट जाऊं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आंसर भी है। बच्चों की एक डिमांड थी कि सर ऐसा है कि हम लोग जब वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखने के दौरान आपने आंसर तो बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन फिर जब मुझे उसको PDF के फॉर्म में पढ़ना होता है तो ऐसा होता है कि वहां पर आंसर होता नहीं। तो आप ऐसा करिए कि आंसर भी वहां पे डाल दिया करिए, ताकि हम लोग जब PDF को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए अब आपको हर PDF के साथ आंसर मिलेगा जो भी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस होंगी, लेकिन उस जगह पे मैं खड़ा रहूंगा, आपको आंसर दिखेगा नहीं। पहले आपको अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन, वेन डिड वॉल्ट व्हिटमैन बॉर्न? वॉल्ट व्हिटमैन कब पैदा हुए? तो वॉल्ट, ये देखो कौन कब पैदा हुआ, किसकी डेथ कब हुई, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते। जैसे अगर बात करो, आपने पढ़ा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जॉन डन 1572 में पैदा हुए, 1631 में इनकी डेथ हुई। दूसरा है इनके बारे में, तो ये 1819 में पैदा हुए, 1892 में इसकी डेथ हुई। देखो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अब अगर कोई बोले कि भारत कब आज़ाद हुआ, इसका संविधान कब लागू हुआ, इसके संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, वो तिरंगे झंडे को अडॉप्ट कब किया गया, है ना, गांधी जी कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर कोई कहे कि भाई ये बताओ कि इसका कोई ट्रिक है, क्या ट्रिक हो सकता है इसका, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जब जब प्रैक्टिस करोगे, जितनी जितनी बार वो क्वेश्चन आपके नज़र के सामने जाएगा, उतना वो आपका जो है वो मेमोराइज होता जाएगा, आपके जहन में वो आता जाएगा, आप यूज टू हो जाएंगे। तो उसी तरह से ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उस PDF को नज़र के सामने में बार नज़र के सामने से बार बार गुजारना पड़ेगा, फिर वो जो टेस्ट सीरीज है वो लगाने पड़ेंगे, ये इस सब से आपका हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इससे दूर रहोगे। इस तरह की अगर कोई वीडियो बनती है तो क्या जन्म मरण का ट्रिक याद करो, अब उसमें अगड़म बगड़म अलाई पलाई कुछ भी, मतलब वो बोले तो बिना सर पैर की चीजें। When did Walt Whitman born? पैदा कब हुए? 1819। आगे चलिए, डेथ कब हुई? 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स पोएट किसको कहते हैं? आपको मालूम है कि वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, जैसे जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, हम जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट कहते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स कौन कहलाते हैं? भाई वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने, पता है, सिविल वॉर जो हुआ था अमेरिका में 1861 में हुआ था, इसमें सिविल वॉर को हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये जानो, गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं अपना? गृह युद्ध। अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध हुआ था। उस गृह युद्ध के दौरान इन्होंने एक वॉलंटियर के रूप में काज किया, एक नर्स के रूप में, मतलब जो जख्मी होते थे उनको इन्होंने अपनी सेवा दी थी फ्री में, बिना पैसा लिए हुए, उसको उसी को वॉलंटियर बोलते, जो बिना पैसा लिए सेवा दे। लीव्स ऑफ ग्रास ये इनकी किताब है, सबसे पहली किताब जो पब्लिश हुआ था कब? 1855। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम टैप इनकी किताब है जो 1866 में पब्लिश। हाँ, इसमें ट्रिक हो सकता है कि
18 के बाद 11 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 11 पंचे 55, 11 छक्के 66। हम लोग बिहार बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले, ऐसी ही गिनती याद कर रखा है। अंग्रेजी से ज़्यादा कंफर्टेबल हम हिंदी में होते हैं, गिनती काउंटिंग के मामले में जहाँ तक बात है। वो हमारे यहाँ 2 1s are 2, 2 2s are 4 ये नहीं पढ़ाया गया था, 2 1 2, 2 2 4 ये वाले हैं हम। 1855, 1866, तो 1855 में वो लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ था, एंड 1866, 1866 में ड्रम टैप पब्लिश हुआ था। आगे चलिए। हु इज सेड टू बी द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। लिटरेरी फिगर उसको कहते हैं जो लिटरेचर लिखता है, लिटरेचर में काम करता है, जो राइटर हो सकता है, जो ड्रामेटिस्ट हो सकता है, जो नॉवेलिस्ट हो सकता है, जो एक पोइट हो सकता है, उसको हम लिटरेरी फिगर कहते हैं। और मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब समझते हो, जिसका अपना बिल्कुल एक अलग रास्ता हो, जो भीड़ से हटके जा रहा हो। दो रास्ते हैं, यहां से अलग हो रहे, इधर भीड़ जा रही है, इधर भीड़ है, और इधर ये बंदा अकेले है, दीवाना, इसी को इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये है वॉल्ट व्हिटमैन। ये जो भी दिख रहे हैं आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या सिल्विया प्लैथ या फिर ये टी एस एलियट, ये सब के सब जो है वो अमेरिकन पोएट हैं सब। वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं, पहले बताया मैंने। और इनमें से कौन है जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट अमेरिका का, मतलब कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व कवि, प्रतिनिधि करने वाला कवि, मतलब सारे कवियों को इकट्ठा कर दो तो जो आगे आगे जा रहा है ऐसा कवि, तो वो है वॉल्ट व्हिटमैन। और आपको इन्फॉर्म करना था, अगर आप 12th में इंग्लिश 100 मार्क्स की बुक चाहिए, या हिंदी 100 मार्क्स की बुक चाहिए आपको, या फिर आपको उर्दू 100 मार्क्स की बुक चाहिए, तो हमारी ये किताबें अवेलेबल हैं। आप ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, कैसे मिलेगी किताब आपको बता दिया जाएगा। बस ये याद रखें कि ये किताब अगर आपके हाथ में है तो 12th की बहुत ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है। और ये जो रेनबो राइडर है ना, वो लाइन बाई लाइन सोल्यूशन है इस रेनबो बुक का, रेनबो बुक का। अब हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हैं। पोएम के अंदर का क्वेश्चन अब आएगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को लिखा किसने? वॉल्ट व्हिटमैन। स्पीकर कौन है इस पोएम में, मतलब इस पोएम में बात कौन कर रहा है? तो वो है वॉल्ट व्हिटमैन, ये खुद ही स्पीकर है। ऐसा नहीं कि ये बात किसी और से कहलवा रहे हैं, बल्कि खुद ये बात कह रहे हैं। लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है किनका? तो पोएट्री कलेक्शन है वॉल्ट व्हिटमैन का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो ओपनिंग लाइन है ये किस चैप्टर की है? ये जो लाइन है वो कौन से चैप्टर, कौन सी पोएम में है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, बल्कि उसकी ओपनिंग लाइन है, उसी से शुरू ही होती है वो पोएम। हाउ ओल्ड इज द पोएट, आप जब पोएम को पढ़ेंगे बहुत गौर से तो वहां पर आप देखेंगे कि एक जगह लिखा है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब ये कि मैं अभी 37 साल का हूं, और अभी मेरे मेरा जो सेहत है ना, मेरी जो मेरा जो स्वास्थ्य है वो पूरे शबाब पे है, बोले तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं मैं। तो ये जो है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, ये उसमें 37 साल, मतलब पोएट जब उस पोएट को लिख रहे थे तब वो 37 साल के थे। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। आगे चलिए। होपिंग टू सी, ये वाला नहीं आना चाहिए था क्योंकि पोएट के बारे में है सवाल, हम अभी चैप्टर वाला कर रहे हैं। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, ये वाली जो लाइन कहाँ, ये सॉन्ग ऑफ माइस, इस लाइन को आप देखेंगे वहाँ। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड माई सेल्फ, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, ये सब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो इस पोएम की हैं। इस पोएम का थीम क्या है? तो भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब वैश्विक भाईचारा। आप शुरू की 3 लाइन को पढ़ेंगे वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा पोएट वैश्विक भाईचारा की बात कर रहा है। कितने सेक्शन में ये पूरी पोएम बांटी गई है? 52 सेक्शन में। ये जो पूरी बहुत लंबी पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ शुरू की 13 लाइन दी गई है, जो पहला सेक्शन है पोएम का। मैं 37 साल का हूं भाई, कौन सी पोएम से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कितनी बार आई वर्ड यूज हुआ है पोएम? आप गिनेंगे 6 बार यूज हुआ। स्कूल जो ये वर्ड यूज किया गया इस पोएम में, इसका मतलब क्या पता है? स्कूल का 3 मतलब होता है। पहला वो जहां हमने आपने पढ़ा है, विद्यालय। दूसरा वो जो मछलियों का झुंड होता है, वो भी स्कूल कहलाता है। वेल्स का झुंड जो है वो स्कूल कहलाता है। ठीक है। आ यार
ठीक है, डिफिकल्ट है हिंदी लिखना तो, इंग्लिश में क्या होता है घस घस देते हैं। और तीसरा ये जो एक थॉट प्रोसेस है आपका सोचने का, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ थॉट, वो कहलाता है स्कूल। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को किसने कंपोज किया है? वॉल्ट व्हिटमैन ने कंपोज किया है। वॉल्ट व्हिटमैन कैसे पोइट थे, कहाँ के पोइट थे? अमेरिकन पोइट थे, ये इनकी नेशनैलिटी थी, राष्ट्रीयता थी। वॉल्ट व्हिटमैन ने अपनी पहली बुक पब्लिश कैसे कराया था? ऑन हिज ओन एक्सपेंस, अपना खुद का पैसा लगाकर। इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, सॉरी, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स, फ्री वर्स पता है आपको क्या कहते, किसको कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं कि इसमें कोई तुकबंदी नहीं होती, उसमें कोई लय नहीं होता, उसमें कोई सुर नहीं होता, उसमें कोई ताल नहीं होता है, ये चीजें नहीं होती, एक राइमिंग टोन नहीं होता उसमें। जैसे आप पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो वहां पर आप देखेंगे 8-8 लाइन का स्टैंजा है 5 जगह, तो टोटल 40 लाइन है। आप नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ेंगे, देखेंगे 4-4 लाइन का राइमिंग स्टैंजा है वहां पे। आप पढ़ेंगे ओड टू ऑटम, 11-11 लाइन का स्टैंजा है वहां पर, और कहीं कहीं पर राइमिंग टोन भी है आप देखेंगे। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, या फिर आप जब उसको पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, स्नेक वाली पोएम को, या फिर आप माई ग्रैंड मदर था उसको पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। कहीं पर लाइन इतनी बड़ी है, कहीं पर इतनी बड़ी बड़ी है, फिर कहीं पर इतनी बड़ी है, फिर कहीं पर इतनी सी है, फिर कहीं पर इतनी सी, फिर ऐसे है। तो इसका कोई एक वो पता ही नहीं चलता कि किस तरह से ये पोएम जा रही है ना। एक लय सुर ताल नहीं होता। ये मॉडर्न एज में जिस तरह से रैप सॉन्ग का चल रहा है ना, वो चक्कर, वो उसी तरह का समझो कुछ। तो फ्री वर्स कहलाता है ये फ्री वर्स कहलाता है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और ओपनिंग सेक्शन जो है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो वो इसी वर्ड से शुरू, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड से शुरू होता है, आई सेलिब्रेट माई। स्पीकर कौन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? तो वो है वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अकॉर्डिंग जो स्पीकर है वो बहुत बड़ा लवर है। किस चीज का प्रेमी है? वो नेचर का, प्रकृति का। द पोइट इज नॉट डॉट डॉट फ्रॉम अदर। पोइट कहते हैं कि मैं दूसरे से अलग नहीं हूँ, नॉट डिफरेंट। ये पहली 3 लाइन में आपको पता चल जाए जब आप पढ़ेंगे ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और जो मैं अज्यूम करता हूँ, जो मैं कल्पना करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वही आप भी सोचते हो, आप भी कल्पना करते हो, आगे आप भी वही एक्सपीरियंस करते हो। तो हम लोग अलग नहीं है। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, इस चीज का मतलब होता है रुकना। ये सॉन्ग ऑफ माई। हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन? ये आई कौन है फर्स्ट लाइन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के? वॉल्ट व्हिटमैन है, क्योंकि स्पीकर वही है, वही बात कर रहे हैं। व्हाट डज द पोइट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ? देखो, गेट रीड ऑफ ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। पोइट किस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो क्रीड से। वो एक धार्मिक मान्यता जिसको लोग मानते हैं, उसको हम क्रीड कहते हैं। कहते हैं थोड़ी देर के लिए इसको ताक पे रख दो, मतलब भूल जाओ। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट, और जिंदगी को बिना किसी दबाव के गुजारना चाहो, पोइट ये कहना चाहते। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाली पोइट में ये जो है ना, पोइट खुद ही क्या करते हैं, पोइट खुद ही गाते हैं, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये किस पोएम से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का क्या मतलब होता है? विश्वास कर, मतलब पोइट विश्वास करते हैं अच्छाई में भी और बुराई में भी। ये वॉल्ट व्हिटमैन की लाइन है ये। क्रीड एंड स्कूल इन एबियंस, ये वाली लाइन भी सॉन्ग ऑफ माई। व्हाट डज द पोएट वॉन्ट टू डू विद हिज क्रीड? पोएट अपने क्रीड को क्या करना चाहते हैं? तो उसको रिटायर, उससे रिटायर होना चाहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए तर्क करना चाहते हैं। पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं किस चीज का? तो ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के मौसम की जो घास होती है ना सूखी सूखी, उसके नोक को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलिए। द पोइट वॉन्ट टू बी हेल्दी, पोइट हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब तक वो कहते हैं कि मैं अपनी मृत्यु तक स्वस्थ रहना चाहता हूँ। कौन है जो हु डज द पोइट वॉन्ट टू एज्यूम द सेम लाइक? पोइट किससे सेम चीज एज्यूम कराना चाहते हैं कि जो वो एज्यूम करते हैं वही उनके, कौन एज्यूम करते होंगे? तो उनके रीडर्स, उनके पाठक। ये भी हो सकता है ये यहाँ अमेरिकन पीपल को ही संबोधित कर रहे हों केवल, लेकिन ऐसा लगता है कि कवि का जो एक उसकी जो सोच होती है ना, वो एक बहुत ब्रॉड कैनवास पे होती है। उसकी सोच थोड़ी बड़ी होती है, नैरो नहीं होती। हो सकता है वो अपने राष्ट्र की बात ना करके अपने पाठकों से संबोधन कर रहे हों,
भी मैं और तुम एक ही हैं, अलग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित किया होगा। द पोइट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, पोइट इंजॉय करते हैं खुद में ही और खुद में ही एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए ही गाते भी हैं। पोइट वॉन्ट टू बी डायनमिक, डायनमिक का मतलब समझो पहले, गतिशील रहना चाहते हैं, इसकी तरह नेचर की तरह, लास्ट लाइन है ना, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। पोइट दुआ करता है भगवान से कि मैं वैसा ही गतिशील रहना चाहता हूँ जैसा ये नेचर, ये प्रकृति है, कि सूरज अपने टाइम से निकल रहा है, चांद अपने टाइम पे आता है, जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सारा निजाम चल रहा है बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप। वॉट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, स्पीकर का जो खून है वो किस चीज से बना है, तो अमेरिकन सोयल एंड एयर, अमेरिका की मिट्टी और हवा से। कितनी बार ये यू वर्ड यूज हुआ है पोएम में, तो ट्वाइस, दो बार यूज। व्हाट डज द पोएट इनवाइट इन द पोएम, पोएट इनवाइट करते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, तो अपने सोल को, अपनी आत्मा को इनवाइट करते हैं। आप देखेंगे आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, ये लाइन है, चौथी लाइन है। हु हार्बर्स फॉर गुड और बैड, अच्छी और बुरी किस्मत पर कौन बिलीव करता है, तो पोएट खुद बिलीव करता है। आगे चलिए नेक्स्ट, पोएट हैंग आउट करना चाहते हैं, हैंग आउट का मतलब तो पहले समझिए, इसका मतलब होता है मस्ती करना, किसके साथ, अपने सोल के साथ, अपनी आत्मा। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ये पांचवी लाइन है, आप पढ़ेंगे इसको, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एवरी एटम ऑफ ब्लड है, ब्लड उनका एक एक कतरा सेम है दुनिया के हर इंसान। अच्छा, पेरेंट्स जो है, माँ बाप पोएट के कहाँ के हैं, तो वो भी अमेरिका के ही। आगे चलिए, पोएट ने परमिट किया है, इजाजत दिया है अपने आप को, किस में, हर संकट में बोलने। देखो कितनी छोटी पोएम है, 13 लाइन की पोएम है, और लगभग 42 क्वेश्चन अभी खत्म भी नहीं हुआ, अब तक हो चुके हैं, सिर्फ उस 13 लाइन से मैंने 42 सवाल निकाला, और इससे पहले 12-14 क्वेश्चन आपने पढ़ा है सिर्फ पोएट के बारे में, समझ रहे हो, 54 क्वेश्चन आप अब तक कर चुके हैं, और वो क्या बोलते हैं, अब तक अभी ऑब्जेक्टिव का सेशन मेरा खत्म नहीं हुआ है, और सवाल रिपीट भी नहीं हुआ है। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए, और सेक्शन बांट देने पर ना बड़ी आसानी हो गई है, इससे याद करने में सबको सहूलत होगी, रिवाइज करने में सबको सहूलत होगी। I celebrate myself and sing myself, ये कौन सी पोएम से, ये सॉरी, ये किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा। Hoping to seize not till death, आशा है कि मैं अपनी मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, ये किसका लिखा हुआ है, तो भाई ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इनका वॉल्ट विटमैन का लिखा हुआ है। लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है पोएम का, कौन सी, किनका लिखा हुआ, तो वॉल्ट विटमैन। आगे चलिए, डैश वर्क्स इंक्लूड, अच्छा ये किनकी किताब है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप, तो ये वॉल्ट विटमैन। I permit to speak at every hazard, ये कहाँ से लिया गया, Song of Mice। Walt Whitman ने volunteer के रूप में काम किया था, कब, Civil War में, कब पूछा गया, देखो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वो भी आर्ट्स वालों को कि साइंस वालों को, ये भी लिखा गया, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, कॉमर्स वालों को वही सवाल आता है जो साइंस वालों को आता है, तो साइंस कहीं पर अगर देख लो तो इसका मतलब है साइंस एंड कॉमर्स दोनों। Walt Whitman क्या थे, तो एक अमेरिकन पोएट थे, किसने कंपोज किया लीव्स ऑफ ग्रास को, तो वॉल्ट विटमैन ने कंपोज। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल, दिस एटम ऑफ माई ब्लड, एटम ऑफ माई ब्लड का मतलब होता है खून का कतरा, खून का, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड का मतलब है खून का हर एक कतरा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। स्पीकर कौन है इस पोएम में, तो पोएट खुद ही स्पीकर। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये किस पोएम से है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आप प्ले स्टोर पर रिव्यू भी जरूर देंगे कि आपके लिए मैंने कैसा कोर्स तैयार किया है, टॉपर्स कोर्स हो या फिर क्रैश कोर्स, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है उसके बारे में फीडबैक जरूर दें, बच्चों को बताएं, बिहार के बच्चों को। और हमने तो साइंस और आर्ट्स भी अब स्टार्ट कर दिया है, जहाँ दूसरी एकेडमी 3-4-5 हज़ार की फीस लेती है, हम लाइव क्लास के लिए कराते हैं सारे सब्जेक्ट का, और पूरे साल की फीस भी इतनी सी 999। आर्ट्स का भी वही मामला है। सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने सभी दोस्तों को बताएं ओके इंग्लिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में, चाहे यूट्यूब हो या फिर ऐप हो। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के सेशन में। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।